वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक एग्जांपल करेंगे, डेट इज क्या एग्जांपल है कि अगर हम कोई भी एक फाइनाइट सेट लेते हैं इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो वो एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। डेट इज अगर हम एक एक्स कॉमा टाउ, एक कोई भी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये हमारे पास कुछ भी एक फाइनाइट सेट नहीं है, दैट इज उसमें हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक कंपैक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको कंपैक्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट बी एनी ओपन कवरिंग ऑफ ए, ए सेट की हम कोई भी एक ओपन कवरिंग ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए सेट है वो सबसेट होगा हमारे पास इस यूनियन में, ये हमारे पास क्या बन जाएगा भी, इसका एक ओपन कवर, और जितने भी हमारे पास ये जी अल्फा हैं वो बिलोंग करेंगे टाउ में, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो ये हमने एक ओपन कवरिंग ली हमारी ए सेट की। तो अब हमने क्या करना है, इस ओपन कवरिंग में से इसका एक फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो ए वन एलिमेंट है हमारे पास वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, और ए सेट जो है इसमें कंटेन कर रहा है, तो दैट मींस जो हमारे पास ए वन एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो ये इन सेट्स की यूनियन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये एलिमेंट इनकी यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो इट मींस ये किसी ना किसी एक में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, दैट इज जो ए वन होगा वो बिलोंग कर लेगा हमारे पास कुछ जी अल्फा वन में, और जो ये अल्फा वन है हमारे पास वो एक इसी इंडेक्स सेट का ही मेंबर होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हम अगर ए टू एलिमेंट लेंगे वो बिलोंग कर जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ जी अल्फा, और ए टू के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई हमें एक ये एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसी तरह से ए एन जो है उसके लिए भी हमें एक बिल्कुल ऐसा ही एक सेट मिल जाएगा ओपन सेट, जो ये अल्फा एन होगा हमारे पास वो भी इस लैम्डा में बिलोंग करेगा ठीक है। देखिए ए वन के लिए हमें ये मिल गया, ए टू के लिए ये मिल गया, ए एन के लिए ये मिल गया। अगर ए वन इसमें पड़ा है, ए टू इसमें पड़ा है, ए एन इसमें पड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ए वन ए टू ए एन जो ये सेट होगा वो इस यूनियन में कंटेंड हो जाएगा, दैट इज जो हमारे पास ए सेट हो जाएगा वो कंटेंड हो जाएगा इस कलेक्शन में, और ये हमारे पास क्या बनगी, इसकी एक फाइनाइट सब कलेक्शन ठीक है, एज जो हमारे पास अल्फा आयटाज हैं, आयटा वेरी कर रहा है हमारे पास एन से लेकर वन तक, वो क्या है, एक फाइनाइट सब कवर मिल गया हमें ए का। दैट मींस जो हमारे पास ए सेट है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपैक्ट सेट बन जाएगा। मतलब करना क्या हमने, बस जो ए वन अगर कोई भी इसको ओपन कवर लेंगे तो बस हमने ये देख लेना है ए वन किस ओपन कवर किस ओपन सेट में पड़ा है, ए टू को कंटेन करने वाला ओपन सेट ले लेना है, ए थ्री को कंटेन करने वाला और ए एन को कंटेन करने वाला, फाइन। तो उन सब की यूनियन कर, जो ये कलेक्शन बनेगी वो इस पूरे पूरे सेट का ओपन कवर बन जाएगा फाइनाइट। देखिए अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है,
कि एक्स अगर हम बी एनी सेट ले लें, कोई भी एक सेट ले लें, बट जो टाउ है, ठीक है, बट जो हमारे पास उस पर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, डेट इज टाउ हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे पास हमने टोपोलॉजी बनाई है टाउ है, उसमें अब हमारे पास फाइनाइट ओपन सेट्स ही हैं, दैट इज वी हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ही हैं, तो अगर हम एक्स को उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो हम यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्री कलेक्शन लेंगे, तो ये जो कलेक्शन होगी ओपन सेट्स ही लेते हैं, और ये अपने आप में ही हमेशा क्या मिलेगी, हमें एक फाइनाइट ही मिलेगी, हमें इस केस में कोई इन्फाइनाइट मिलने ही नहीं वाली। ठीक है, अगर हम ये कोई भी एक कलेक्शन ले लेंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे एज जो हमारे पास ये कलेक्शन है वो क्या बन जाएगी, एक फाइनाइट बन जाएगी। तो यही एक हमारे पास अपने आप का एक फाइनाइट सब कवर फॉर्म कर देगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हर कलेक्शन जो होती है, ठीक है, वो अपने आप का ही एक सब कवर तो होती ही होता है, और ये फाइनाइट है, तो ट्रिवली ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब इसकी हेल्प से देखिए, ठीक है, जितने भी हमारे पास टोपोलॉजीज होंगी जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, वो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। फाइन, तो आप इसकी ढेर सारी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो तीन एलिमेंट्स लिखिए, उसके ऊपर एक एम्प्टी सेट लीजिए, एक एक्स लीजिए, सिंगल टेन सेट लीजिए, तो वो कॉम्पैक्ट होगी हमेशा ही। फाइन, तो थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास अगर हम एक्स कोई भी सेट हो हमारे पास, और अब हम क्या ले लेते हैं उसकी एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अगर हम एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं, तो उसमें देखिए क्या होगा, अगर हमने ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ली हुई है, तो जो टाउ होता है हमारे पास उसमें कौन से मेंबर होते हैं, सिर्फ देखिए इसके पास दो मेंबर्स ही हैं, दैट इज फाइनाइट सेट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई, क्योंकि टाउ में सिर्फ दो मेंबर्स ही पड़े हैं। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, इसी की हेल्प से अगर एक्स हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं, एक्स हम एक खुद फाइनाइट सेट लेते हैं, तो एक्स कोमा टाउ ऑलवेज क्या हो जाएगी हमारे पास, एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो एक्स है अगर वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, तो उसका पावर सेट ऑफ एक्स जो होगा वो भी एक फाइनाइट सेट होगा, और जो टाउ होता है वो सबसेट होता है हमारे पास पावर सेट का, तो दैट मीन्स जो टाउ है हमारे पास वो क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम फाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें, दैट इज फाइनाइट सेट एक्स लिया हमने, और उसके ऊपर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंपैक्ट, क्योंकि सेट फाइनाइट है, तो जो टाउ में जितने भी मेंबर्स होंगे वो भी हमारे पास फाइनाइट होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कंपैक्ट बन जाएगा। ये हमने प्रूफ किया है कि जो एक्स सेट है हमारे पास वो एक फाइनाइट सेट है, दैट इज वो अपने आप के सबसेट होते ही है, तो हमने ये भी प्रूफ किया कि कोई भी अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है, तो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, वो एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं।